हेलो गाइस नमस्कार, वेलकम टू माय बार में रोस्ट यूट्यूब चैनल। आज हम उपस्थित है पिपरिया हॉर्स फायर 2023 में। तो हमारे साथ एक सबसे फेमस घोड़ा है, तो उनके हॉर्स सवार से हम बातचीत करेंगे। जी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, सबसे पहले आपका नाम बताइए। कादिर पठान। कादिर भाई, इस घोड़े के बारे में ज़रा डिटेल बताइए और कहाँ कहाँ आपने रेस पे फाइट करे और इनके मालिक नाम। ये जो बच्चा मैं कस से लिया था जी भाई, इसका नाम है बादल। बादल ये चलता है 35-36 चलता है और हथुरान और लवाचा ये रेस में पार्टिसिपेट हुआ है और विनर रहा है। और इनके मालिक ने? माली मैं खुद हूँ। तुम खुद ही हो? शकुर भाई पठान मेरे वालिद साहब हैं। जी जी भाई, तो आपको यहाँ आज कैसा लग रहा है फाइट करने में? आज 35 वाली स्पीड की जो रेस होने जा रही है उसमें आप भाग ले रहे हो? इंशाल्लाह हमको उम्मीद है हम ही जीतेंगे। हाँ ये तो अच्छी बात है। और सभी जो कि यही लेके आता सवार कि हमारे को फाइट करनी है, और काफ़ी अच्छा घोड़ा चल रहा है, इनकी वीडियो भी हमने देखी थी, काफ़ी चर्चित घोड़ा है। और इसकी एज क्या है भाई? ये 4.5-5 साल की। 4.5-5 साल की। और हाइट? हाइट होगी 59। 59 है। अच्छा, आपको नहीं इसको यहाँ प्रैक्टिस की और ट्रेनिंग? क्या 3 दिन से यहाँ पे ही है। जी भाई, और ये लड़का भी खुद बैठता है। बैठता है। और आप भी इस पर राइडिंग का रेस में तो आप भी भाग लोगे? मैं ही करता हूँ, बैठता हूँ। और ये जो शैलेश भाई है? जी भाई, ये सवार है। सवार है। ये घोड़े को ट्रेनिंग इन्होंने करा है। शैलेश भाई ने करा है। तो शैलेश भाई, आपको आज क्या लग रहा है इस फील्ड में, और यहाँ का जो वातावरण माहौल कैसा लगा आपको कि पिपरिया और फायर ने जो इतना बड़ा आयोजन कराया है और रेस में इतने काफ़ी अच्छे घोड़े आए, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। ग्राउंड बहुत बढ़िया बना हुआ है, कोई भी घोड़ा पीछे हटता नहीं है, बहुत जम के चलता है। और ये जो हमारा बादल है, पहले बार सूरत में रिंग हाउस में एक नंबर पर जीता है और दूसरी बार लवाचा में जीता हुआ है, एक बार लवाचा जीता हुआ, दो बार हथुरान जीता हुआ, और ये पांचवी बार पिपरिया ग्राउंड में। हम उम्मीद रखते हैं कि फर्स्ट इनाम का दावेदार है। इस तमन्ना से हम आए, 3 दिन से प्रैक्टिस दे रहे हैं हम। और आज क्या लग रहा है, आज की जो ये रेस होने वाली है, जो छोटी रेवा रेस में जो आपका ये घोड़ा फाइटर इस जो जन्मभूमि पिपरिया में भाग ले रहा है, तो आपको क्या महसूस हो रहा है कि आज हम यहीं भी विनर लेके जाएंगे? हाँ, इधर हम उम्मीद रखते हैं कि हम पक्का विनर होके जाएंगे। नहीं, कादिर भाई का जो कंपटीशन देख रहे, बहुत अच्छा लगा हमारे को, क्योंकि इसने भी पहले से मुझे मालूम था, इनकी वीडियो हम रोज़ देखते रहते हैं घोड़ों के साथ, और इतने असल प्रेमी है कि घोड़े के साथ इनका हर रेस में भाग लेते हैं। कादिर भाई, आज बोलिए, छोटी रेवाल में भाग में तो भागता लेने वाले हो, लेकिन फाइट होगी, इतने सारे घोड़े आए हुए, क्या आज का नंबर लेके जाने का? नंबर ही हमारा ही है। अच्छा, 3 दिन से यहीं बैठे हो? यहीं है हम, और प्रैक्टिस चालू है। रात को नींद तो आई होगी? इंशाल्लाह। अभी क्या है, देखो आज घोड़े लगाते हैं फिर क्या होता है। नहीं, काफी लोगों का जो ये घोड़े को देखकर नींद भी नहीं आई होगी, क्योंकि फाइट तो होगी, इतने सारे घोड़े आए। इस तरह से फिर जानवर को रखना भी पड़ता है। हाँ, इनको ऐसी क्या खिलाते हो इतने तंदुरुस्त और फिट घोड़ा देता? इसको हम चना है, जौ है, बाजरी है, घी है, गुड़ है। अच्छा, ऐसा सब कुछ इंसान को भी नहीं मिलता, इतना अच्छा घोड़ा को मिलता है। इसको गाजर है, बीट है, हर चीज खिलाता हूँ मैं इसके लिए। ये पावरफुल इतना घोड़ा है। थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक।